वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट को किस तरीके से किया जाए ये सीखा था, ये पढ़ा था और हर एक चीज को हमने देखा था। और क्वेश्चन था, स्टार्ट हुआ था हम लोगों का हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट से, व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ द हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट, स्टार्ट हुआ था जिसमें हम लोगों ने पूरा डिटेलिंग किया क्या लीडरशिप है, कैसे प्लान होगा, क्या आपका एक्शन होगा, किस तरीके से होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, पहला जो पिलर होता है, पहला स्टेप है किसका, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का, वो है प्लान। और प्लान के अंतर्गत सबसे पहले आता है पॉलिसी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिसी के ऊपर, पॉलिसी क्या है, इसे कौन बना सकता है, क्या लीगल पॉलिसी है, इलीगल पॉलिसी किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ लीगल पॉलिसी किसे माना जाएगा, कौन वैध होगा, कौन अवैध हो जाएगा, किस किस कंडीशन में पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है, किस कंडीशन में पॉलिसी चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, ये सारी चीजें आज हम कंसीडर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिसी। तो हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले पॉलिसी का जानना जरूरी है। ठीक उसी तरह से अगर किसी देश में आप जाते हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया के नियम, इंडिया के कानून, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जानना आपके लिए काफी जरूरी है। लेकिन यदि आप तुरंत बाहर जाते हैं, जैसे सपोज करिए आप गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, आप यूके में जा रहे हैं, यूएस में जा रहे हैं, तो वहां के देश के नियम और कानून को भी जानना आपके लिए जरूरी है। ये नियम और कानून क्या है, उस देश की पॉलिसी है, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस देश का लॉ है, क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। तो लीडरशिप अर्थात एक सेफ्टी ऑफिसर जो है, चाहे वह हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे वो फायर सेफ्टी ऑफिसर हो या फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, उसकी जो भूमिका है वो क्या है, एज ए लीडरशिप विद वेलविशर, एक शुभचिंतक की तरह है, वह हमेशा मुसीबत से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए प्रयासरत रहता है और कार्य करता है, उसकी यही ड्यूटी है, वह अकाउंटेबल भी है और रिस्पॉन्सिबल है। तो पॉलिसी को समझते हैं, पॉलिसी का मतलब ये समझ लीजिए, एक ऐसा नियम, एक ऐसा लॉ, एक ऐसा कानून जो किसी निश्चित कार्य के लिए बनाया गया होता है। एग्जाम्पल बताता हूं, एक कंपनी है जहां एक एल्यूमिनियम कंपनी है, जहां एल्यूमिनियम बनाने के लिए काम होता है। अब देखिए एल्यूमिनियम को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, एल्यूमिनियम को बनाया जा रहा है, मेटल बनाया जा रहा है, बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो उस कंपनी में उस कार्य से रिलेटेड एक पॉलिसी जरूर होगी और उस पॉलिसी में बताया जाएगा कि हमारा काम किस तरीके से होना चाहिए, हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए और ये तमाम बातें लिखी जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी अपना एक रूल होगा, एक पॉलिसी होगी कि हमें किस तरीके से रखना है, काम करना है, किस तरीके के लेबर चाहिए, किस तरीके के एक्सपर्ट चाहिए, कैसे हमारी काम की शुरुआत होगी, ये तमाम बातें उस पॉलिसी के अंदर होता है। एक चीज यहां पे ध्यान रखिए कि जब कार्य बदलेगा, जब आपका वर्क बदलेगा, वर्क का नेचर बदलेगा, तो पॉलिसियां भी बदलने लगेंगी। कभी भी बहुत से स्टूडेंट्स को या लोगों को भ्रम है कि सबकी पॉलिसी एक जैसे होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सबकी पॉलिसी अलग अलग होती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की पॉलिसी अलग होगी, फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी अलग होगी, टॉय फैक्ट्रीज की जो पॉलिसी होगी वो अलग होगी, और ये सभी पॉलिसियां कार्य को देखते हुए तैयार की जाती हैं ताकि भविष्य में कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो अगर हम पॉलिसी की बात करें तो इस पॉलिसी में हम किन बातों पे कंसीडर करते हैं वो पहले जान लेते हैं, फिर एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। आप अब तक तो जान ही चुके थे ये पूरा प्लान, अब हम आते हैं प्लान। जब प्लान में आएंगे तो हमारे पास देखिए पहला स्टेप आता है प्लान के अंदर कि हमें पॉलिसी पे कंसीडर करना है। अब पॉलिसी क्या है, अब इस पॉलिसी को समझ लेते हैं। इतना तो आप समझ ही गए कि एक इट्स ए टाइप्स ऑफ रूल रेगुलेशन फॉर कंपनी आर पार्टिकुलर और स्पेसिफिक वर्क, जो भी स्पेसिफिक वर्क है उसके अकॉर्डिंग ये राइट किया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, व्हाट इज द मेरिट ऑफ पॉलिसी, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मेरिट ऑफ पॉलिसी, यानी पॉलिसी का जो गुण है वो क्या है, पॉलिसी क्या कहता है। तो पॉलिसी क्या, पॉलिसी ये कहता है कि मुझे जब भी बनाया जाएगा उस कंपनी के मालिक के द्वारा बनाया जाएगा, एम्प्लॉयर के द्वारा बनाया जाएगा, ओनर के द्वारा बनाया जाएगा। पॉलिसी दूसरे स्टेप में कहता है, दूसरी बात, मुझे एक्टिव करने के लिए, मुझे लागू करने के लिए सिर्फ अधिकार जो होगा वह सिर्फ किसको होगा, कंपनी को होगा, कंपनी, कंपनी शब्द से मतलब है एम्प्लॉयर को होगा, ठीक है, सिर्फ एम्प्लॉयर को होगा, बाकी किसी को नहीं होगा।
और वही इंप्लायर उस पॉलिसी पे साइन करेगा, जो भी इंटेंट होगा, जो भी आपका लॉज होगा, जो भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस पे साइन करने का राइट जो होगा वो सिर्फ किसका होगा, एम्प्लायर का होगा। एम्प्लायर के अलावा कोई भी साइन नहीं कर सकता है। आई होप समझ पा रहे। उसके बाद से ये रूल रेगुलेशन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू वर्क होगा। रूल रेगुलेशन जो भी बनेगा वो कार्य के अनुसार ही तय किया जाएगा, कार्य के विपरीत रूल रेगुलेशन नहीं होगा। पॉलिसी और क्या कहता है कि मुझे जब भी तुम बनाओगे, मुझे जब भी तैयार करोगे किसी कार्य के लिए, तो लीगल लॉ के अंतर्गत तैयार करोगे। किसमें? लीगल लॉ। लीगल लॉ जिसे सेफ्टी रूल्स है, अगर इंडिया में हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ, इंडिया की बात करें तो इंडियन सेफ्टी लॉ और कंपनी एक्ट के अंतर्गत आप बनाओगे, उसे हम यहां कहेंगे लीगल लॉ। ओके, लीगल लॉ में आपका आता है सिविल प्रोसीजर एंड क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है और वो पॉलिसी होनी चाहिए। और लास्ट में आता है सेफ्टी कल्चर। फाइनली पॉलिसी क्या कहता है कि हर काम को देखते हुए जो आपका अगला कदम होगा वह होगा सेफ्टी कल्चर का। अब सेफ्टी कल्चर क्या है तो आप जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेफ्टी कल्चर। फर्स्ट विल बी पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर एंड सेकेंड विल बी क्या होगा, नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। तो पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब कि जैसे आपका होता है ना पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक रवैया। नेगेटिव एटीट्यूड नकारात्मक रवैया। अगर रूल्स को माना जा रहा है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, पॉलिसी को माना जा रहा है, दैट इज द पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। नहीं माना जा रहा है, दैट इज नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। बहुत सीधी सी बात है। तो ये पॉलिसी कहता है कि अगर आप इन बातों को आप ध्यान में रखते हो, कितने बातों को, 5 पॉइंट्स है हमारे पास। एम्प्लायर के द्वारा लिखा जाना चाहिए, मालिक ही लिख सकता है, ये राइट है। अब क्यों मालिक ही लिख सकता है, जरा इसको समझ लीजिए। अगर मालिक नहीं लिखेगा, अगर उस जैसे कोई संविधान बनाया गया, कोई लॉज बनाया गया कंपनी की, और कंपनी का मालिक कोई है और असाइन किसी और ने कर दिया। एक क्वेश्चन और आया था कि क्या पॉलिसी पर सेफ्टी ऑफिसर का साइन हो सकता है? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे राइट ही नहीं है। अगर वो करता है तो इलीगल होगा, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हो जाती है जब जांच का होगा तो डायरेक्टली जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत एम्प्लॉयर को ट्रीट किया जाएगा और उसे कोर्ट केसेस चलाए जाएंगे, लाइसेंस निरस्त होगा और इम्प्रिसोनमेंट की कार्रवाई यानी जेल जाने की नौबत या जो भी सजा है वो होगा। तो सिर्फ एम्प्लॉयर करेगा, कंपनी का मालिक। साइन करने का मतलब कि वह अपने तमाम वर्कर से, अपने तमाम एम्प्लॉय से वह ये वादा कर रहा है कि मैं आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं, इस कार्य के दौरान जो कुछ भी होगा, जो भी गतिविधि होगा उसे मैं, वह मेरे जिम्मेदारी होगी, यानी वह ड्यूटी ऑफ केयर एंड ब्रीचेस की भी बात कर रहा है। तो जो आगे के डिस्कशन करेंगे, आज मेरा जो टॉपिक है वो सिर्फ पॉलिसी को समझना है। तो पॉलिसी में 5 बातें जरूर होनी चाहिए, अगर ये 5 बातें हैं तो पॉलिसी परफेक्ट है और लीगल है। इसमें से अगर कोई भी एक बात चूक होती है, उस पॉलिसी में इसका कोई विवरण नहीं है, उस पॉलिसी में कोई भी इसके लिए जगह नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो पॉलिसी क्या होगी, इलीगल पॉलिसी होगी, और क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत इसके लिए लाइबल जो होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, वह सिर्फ एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, अब एम्प्लॉयर होगा, क्योंकि देखो आपके घर में, एक और एग्जांपल बताता हूं, आपके घर में कोई एक मालिक है, जैसे आपके आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, कोई ना कोई एक व्यक्ति मालिक जरूर होगा जिनका डिसीजन जो होता है वो क्या होता है, सर्वमान्य होता है, और जो कुछ भी उनके द्वारा रूल बनाया जाता है सभी लोग फॉलो करते हैं। तो ठीक वही घर की स्थिति आप समझिए, थोड़ा सा कंपनी में आप जाते हैं तो लोगों की संख्या बढ़ जाती है, वो भी एक फैमिली है, वो भी एक परिवार है, और उसके अकॉर्डिंग वहां काम होता है। तो यहाँ कंपनी कहती है कि हमारे पास ये 5 ऑप्शन होने चाहिए। घर में भी आपकी जो है वो कहते हैं कि भाई ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, यह सही है, ये गलत है। तो ये तमाम सही और गलत का फैसला करते हुए वो निर्णय लेता है, वो डिसीजन मेकर है, वो डिसीजन लेने में कहीं भी कोई कोताही नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपकी भलाई, कंपनी की भलाई छुपी होती है। ठीक है, तो ये 5 बातें। तो जब भी प्लान की बात करें तो प्लान में पॉलिसी को अगर लीगल रूप से आप देख रहे हैं तो ये 5 बातें होनी चाहिए। उस पे साइन केवल एम्प्लॉयर कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं। इस तरह के कई केसेस आए हैं और उस पे सूट भी दाखिल हुआ है, मुकदमे भी चले, ये पाया गया कि पॉलिसी ही इलीगल हो गई क्योंकि उस पे साइन एम्प्लॉयर का नहीं था, कंपनी मालिक का नहीं था। अब देखिए, अब इसका क्या नुकसान है, जो एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हो, अगर उस पॉलिसी के ऊपर, इस पॉलिसी पर
अगर एम्प्लॉयर ने साइन नहीं किया, आपकी जिम्मेदारी नहीं लिया, तो कल को कोई भी घटना होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, तो वह साफ साफ बच जाएगा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं जानता। ना तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, ना तो आप सूट क्लेम कर पाएंगे, ना सिविल क्लेम देखा जाएगा, किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि आपको नहीं होगी। हर हाल में नुकसान वर्कर एम्प्लॉय का होगा। आई होप कि पॉलिसी का इंपॉर्टेंस आप समझ चुके होंगे। अब ये पांच चीजें, फिर आप देखिए किसी भी पॉलिसी में पांच बातें होनी चाहिए। एम्प्लॉयर का साइन होना चाहिए, है ना, रूल रेगुलेशन वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लीगल लॉ के अनुसार वो सारी चीज पॉलिसी बनाई गई होनी चाहिए, और सेफ्टी कल्चर का खास ध्यान रखा गया हो, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हो। आई होप कि पॉलिसी को समझ चुके होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो हमारा टॉपिक है प्लानिंग। तो प्लानिंग को देखने के लिए प्लानिंग का जो भी लेक्चर है, जो क्लास है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको मिल जाएगा, वहां क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद पूरी प्लानिंग की डिटेल आप देखिए। अब प्लानिंग कैसे करते हैं उस वीडियो में हम जानेंगे और सीखेंगे प्लानिंग किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए, ताकि आपके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस हो और आपसे कोई चूक ना हो। तो डियर स्टूडेंट एंड माई डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।